हाँ जी गाइज, वेलकम माय नित्य हरीश ब्लॉग पर सभी का स्वागत है। तो गाइज, आज हम बता दें, आज हमारे साथ श्री देवी मंडिल में श्री खाटू श्याम बाबा का सत्संग आप सब देख सकते हैं। सामने गेट दिख रहा है, ऊपर देवी माँ का तस्वीर भी बना हुआ है, सबसे ऊपर आप सब देख सकते हैं देवी माँ का तस्वीर भी बना है। तो इसी गेट के अंदर से हम एंट्री करेंगे। आप सब देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पब्लिक आई हुई है श्री खाटू श्याम बाबा का सत्संग सुनने के लिए। आज तो गाइज वीडियो में बने रहें, आगे आपको हम सभी चीज़ें दिखाएंगे, अंदर चल के पहुँच के दिखाते हैं क्या क्या सिस्टम है यहाँ पे। तो हम आए थे आज एंजॉय करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए श्री देवी माँ के मंडिल में। तो आप सब देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पब्लिक है, आई हुई है, जो भीड़ खूब लगे पड़े हैं। तो हमें जाने के लिए रास्ता भी नहीं मिला, तो हम साइड से निकल रहे हैं। आप सब देख सकते हैं थोड़ी सी जगह मिली है इधर से, तो साइड से निकल रहे हैं गैलरी के रास्ते से। श्री खाटू श्याम बाबा के सत्संग में हम भी शामिल हो चुके हैं। जय हो। जो बने रहे और आपको दिखाते हैं आगे का क्या प्रोग्राम है आज, क्या सीन है, क्या लाइटिंग है। मैं और पाजी एक साथ आए हुए थे देवी मंडल में श्री खाटू श्याम बाबा का भजन सुनने के लिए। तो आप सब देख सकते हैं मस्ती करते हुए हम पैदल चल रहे हैं, आगे की सीन अभी आप सबको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो बने रहे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो गाइज, आप सब देख सकते हैं क्या लाइटिंग, क्या सजावट, क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। इतनी पब्लिक आई हुई है श्री खाटू श्याम बाबा का सत्संग सुनने के लिए। साथ में तो सबसे पहले हम आप सबको दिखा देते हैं कैमरे को चारों तरफ घुमा करके, कि देख सकते हैं आप सब कितनी पब्लिक आई हुई थी, कितनी क्राउड लगी है, भीड़ खूब है। इस ग्राउंड में 10 से 20 हज़ार के करीब लोग आ चुके हैं। आप सब अपना जूते चप्पल यहाँ जमा करवा सकते हैं, सामने जमा हो रहे हैं श्री खाटू श्याम बाबा का दर्शन करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए। बंदे सारे आ चुके हैं, आप सब देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पब्लिक है, क्राउड खूब ज़्यादा। सामने दरबार दिख रहा है श्री खाटू श्याम बाबा का, जो सजावट हुई है। तो ये गेट है, जो इसी गेट से अंदर भी आते हैं दरबार में, खाटू श्याम बाबा का ही सामने आप दिख रहा है, सामने की तरफ से सारे अंदर। ओह माय गॉड जी गाइस, सामने आप सब देख सकते हैं श्री खाटू श्याम बाबा का दरबार कितने भव्य तरीके से सजाया गया है, जो उसमें श्याम बाबा के भजनों पे लोग डांस और एंजॉय कर रहे हैं, सभी भक्तगण एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी गाइज, हमारे बीच में श्री साध्वी पूर्णिमा जी आई हुई है, जो सामने दिख रही है। आप सब देख सकते हो, क्लोज करके वीडियो में देख सकते हैं आप लोग सामने। हाँ जी गाइज, तो आप सब देख सकते हैं इधर लंगर भी चल रहा है। लंगर का मतलब यानी श्री खाटू श्याम बाबा का प्रसाद, पूरी हो गया, हलवा हो गया, सब्जी हो गया, हर कोई मतलब प्रसाद प्राप्त करते हैं और प्रसाद को चखते भी हैं। तो आगे आप सब वीडियो में देख सकते हैं, पब्लिक आ रही है, जा रही है, भीड़ खूब लगी हुई है। सामने आपको श्री कृष्ण भगवान दिख रहे हैं, जो हर कोई मस्तक टेकता है, आशीर्वाद प्राप्त करता है, आगे फिर बढ़ता है सत्संग सुनने के लिए। आप सब देख सकते हैं लाइन लगी पड़ी है, लोग घूम रहे हैं, खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हैं। तो आप सामने देख भी सकते हैं गाइज, तो सामने दिख रहा है श्री खाटू श्याम बाबा का दरबार, जो भव्य तरीके से सजाया गया है। हाँ जी गाइज, तो वीडियो का म्यूजिक भी आप सुने, थोड़ा एंजॉय करें। Oh my God. गाइस, सत्संग सुन के हमें तो बहुत इंजॉय आया, बहुत मज़ा आया, हमें बहुत अच्छा लगा। आप सब भी बताया, आप सबको कैसा लगा सत्संग सुन के। तो गाइस, जब हम चल रहे हैं घर की तरफ, आप सब देख सकते हैं गेट है, गेट से बाहर निकल रहे हैं, पब्लिक आ रही है, अभी भी पब्लिक आ रही है और जा रही है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और इन्जॉय करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सबको वीडियो कैसी लगी। सबसे ज़्यादा थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस सो मच गाइज। तो आप सबके बीच में इसी तरह के ब्लॉग वीडियो आते रहेंगे और आप लोग प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे।